दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे एक्ट्रेस रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में कई बड़ी फिल्मों में काम किया और फिर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। वहीं कुछ एक्ट्रेस ऐसे भी रहे जिन्हें इंडस्ट्री ने सदा मौका ही नहीं दिया। ऐसे ही एक एक्टर का नाम है शरद कपूर। तो आइए जानते हैं शरद कपूर के जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें कि कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप होने के बाद आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। शरद कपूर का जन्म 13 फरवरी 1976 को कोलकाता के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। उनकी पढ़ाई भी कोलकाता से ही हुई है। शरद कपूर को बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो कोई भी फिल्म मिस नहीं करते थे। कई बार तो वो स्कूल बंक करके भी फिल्में देखने जाया करते थे, लेकिन उनकी फैमिली को वो इसकी खबर नहीं होने देते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनका फिल्मों की तरफ इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगा और उनके दोस्त भी हमेशा उनकी हाइट, पर्सनालिटी और लुक्स की तारीफ करते थे और शरद को कहते थे कि एक बार तो तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में जरूर ट्राई करना चाहिए। ईयर 1986 में कोलकाता में होप 86 नाम का एक इवेंट हुआ था। वहाँ पर बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज आए थे और ये पहली बार था जब शरद कपूर ने इन सेलिब्रिटीज को सामने देखा था। और जिस तरह से लोग सेलिब्रिटीज के पीछे भाग रहे थे उनकी एक झलक पाने के लिए, ये सब देखकर शरद कपूर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो एक्टर बनेंगे। तब शरद कपूर अपने पिता के बिजनेस को छोड़कर मुंबई आ गए। शरद कपूर ने अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया, जगह जगह स्टूडियो में घूमे, सभी जगह अपने पिक्चर्स दी, लेकिन उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद उन्हें कुछ फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। उन्होंने लक्ष्मण रेखा और अंगार इन दो फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। शरद कपूर मुंबई एक्टर बनने के लिए आए थे और उन्हें अभी तक एक भी रोल ऑफर नहीं हुआ था, इसीलिए वो मुंबई में 6 महीने बिताने के बाद वो वापस कोलकाता लौट गए। कोलकाता जाने के बाद उन्हें लगा कि अगर वो मुंबई में थोड़ा और स्ट्रगल करते, थोड़ा और टिकते तो शायद कुछ हो जाता और उन्होंने वापस आने में शायद बहुत जल्दी कर दी। इसके बाद शरद कपूर ने फिर से डिसाइड किया कि वो मुंबई जाएंगे और वो 1994 में फिर से मुंबई आए। एक साल तक उन्होंने बहुत स्ट्रगल की और इस दौरान उन्हें पता चला कि यहाँ लोग सिर्फ स्टार्स के पीछे ही भागते हैं और उन्हें इस तरीके से तो कोई रोल नहीं मिलेगा। इसी दौरान उन्हें कुछ छोटे मोटे रोल्स मिले। उन्होंने स्वाभिमान, चाहता और नफरत, आंखें जैसे टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स किए। ऐसे ही एक बार मुंबई के स्टूडियो के आसपास शरद कपूर खड़े थे तो उन्हें महेश भट्ट ने स्पॉट किया। वैसे महेश भट्ट के बारे में पता चलता है कि वो अपने फिल्म्स में नए चेहरों को लेते हैं, क्योंकि जब भी किसी न्यू एक्टर को कास्ट किया जाता है तो वो कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर लेता है और साथ ही साथ न्यू कमर्स के साथ फिल्म में फ्रेशनेस भी ऐड होती है, इसीलिए महेश भट्ट ज्यादातर न्यू कमर्स को लेकर ही फिल्म्स बनाते थे। उसी दौरान महेश भट्ट दस्तक फिल्म से सुष्मिता सेन को लॉन्च कर रहे थे और सुष्मिता सेन के अपोजिट हीरो के रोल में उन्होंने शरद कपूर को कास्ट किया। हालांकि ये फिल्म कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन शरद कपूर को अब फिल्म्स के ऑफर्स आने लगे। इसके बाद महेश भट्ट ने शरद कपूर को और एक फिल्म यानी तमन्ना फिल्म में कास्ट किया। इस फिल्म में पूजा भट्ट एक इम्पोर्टेंट रोल में थी और इसी दौरान पूजा भट्ट और शरद कपूर बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। इसके बाद शरद कपूर को एक के बाद एक फिल्म्स ऑफर हो रही थी और उन्होंने एक साथ काफी सारी फिल्में साइन भी कर ली थी। कहा जाता है कि उस दौरान उन्होंने लगभग 10 से 15 फिल्में साइन की थी, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि ना वो फिल्म्स बनी और वो फिल्में नहीं बनने के कारण शरद कपूर पर मनुष्यत का टैग लग गया था। एक्चुअली जितनी फिल्में शरद कपूर ने साइन की थी उनमें से मैक्सिमम फिल्में बंद हो गई और कुछ फिल्में रिलीज हुई उनमें उनके रोल को काट दिया था। उन्हें ऐसा कहना शुरू कर दिया था कि इस एक्टर को जिस भी फिल्म में लो वो फिल्म्स आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस दौरान शरद कपूर ने बहुत ही लो फेस देखा। उनकी जो सिंगल हीरो वाली फिल्में थी वो हिट नहीं हुई और बहुत सारी फिल्में बनी नहीं पाई। ऐसे में अपने आप को इंडस्ट्री में एक्टिव रखने के लिए उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले करने शुरू कर दिए। इसी दौरान उन्होंने आंखों में तुम हो, इसकी टोपी, उसके सर, लाल सलाम, टाडा, हथियार और चाहत जैसे फिल्मों में काम किया, लेकिन जिस फिल्म के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है वो फिल्म है जोश, जो कि 2000 में आई थी। वायुता के डायरेक्टर मंसूर खान एक फिल्म बना रहे थे और वो अपने फिल्म में शाहरुख खान और आमिर खान को लेना चाहते थे। दोनों को अलग अलग गैंग का किरदार निभाना था जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मगर जैसे ही आमिर खान ने स्क्रिप्ट देखी उनको लगा कि शाहरुख खान का किरदार उनके किरदार के ऊपर भारी पड़ रहा है और उन्होंने तुरंत ही इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद ये रोल मंसूर खान ने ना चाहते हुए भी शरद कपूर को दे दिया था। ये फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद शरद कपूर ने जाने दुश्मन, क्योंकि मैं
मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ तुम कहो कुछ हम कहे, एलओसी, कारगिल, लक्ष्य और प्लान जैसे फिल्मों में काम किया। शरद कपूर बॉलीवुड में आउटसाइडर थे, उनके कोई बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, इसी वजह से उन्हें धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया। इसके बाद शरद कपूर ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को सेटल करेंगे और कुछ और बिजनेस के बारे में सोचेंगे। शरद कपूर को बॉलीवुड वालों ने तो फ्लॉप कर दिया, मगर वो एक्टर कैसे दूसरे काम में सुपर हिट हो गया, आइए जानते हैं। इसी दौरान शरद कपूर कोलकाता में एक बार जब ग्रैंड ओपेरा होटल में गए थे तो वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की से उनकी दोस्ती हो गई। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु की ग्रैंड डॉटर थी। कोयल के साथ 2008 में शरद कपूर ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया। इनिशियली तो शरद कपूर ने कोलकाता में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला, इसके बाद उन्होंने बेंगलोर के पॉश एरिया एमजी रोड पर टैंगरिन करके एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की और एक के बाद दूसरे से उन्हें सक्सेस मिलती रही और बाद में उन्होंने मुंबई में एक डेस्टिनेशन नाम की रेस्टोरेंट खोली। इन रेस्टोरेंट में शरद कपूर और उनके भाई उनके साथ पार्टनर हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में शरद कपूर को वो सक्सेस मिली जो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिल पाई। सलमान खान से शरद कपूर की अच्छी दोस्ती है, यही कारण है कि शरद कपूर जो फिल्मों से अचानक गायब हो गए थे वो हमें सलमान खान के साथ 2010 में ही वांटेड फिल्म में नजर आए थे। इसके बाद शरद कपूर 2010 के बाद हमें डायरेक्ट नजर आए 2014 में, वो भी फिर से एक बार सलमान खान के फिल्म जय हो में। शरद कपूर बॉलीवुड के उन हीरोज में से हैं जो एक टाइम पर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए आए थे लेकिन भीड़ का हिस्सा होकर कई खोसे गए। शरद कपूर जिस वक्त इंडस्ट्री में आए थे उस दौरान कई ऐसे एक्टर्स थे जो आए तो थे मेनस्ट्रीम एक्टर बनने के लिए लेकिन कंपटीशन इतना टफ था कि वो इंडस्ट्री में अपनी जगह ही नहीं बना पाए और ऐसे में वो इंडस्ट्री से कब गायब हो गए लोगों को याद भी नहीं रहा। शरद कपूर बॉलीवुड के उन एक्ट्रेस में से एक है जिन्हें आज भी उनकी जोश जैसे फिल्म के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों आपको शरद कपूर की कौन सी फिल्म बहुत अच्छी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।